अब अगर आप लोगों का भी न्यू सीजन के अंदर रैंक ड्रॉप होकर के प्लेटिनम 4 से लेकर डायमंड 4 तक हो चुका है तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को न्यू सीजन की बीआर में सोलो रैंक पुशिंग की स्ट्रेटजी बताऊंगा, वो भी गेम प्ले के साथ, जिससे कि आप लोग अपने रैंक को ग्रैंड मास्टर तक लेके जा पाओगे, वो भी बहुत ही आसानी से। अब ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों की हार्ड लॉबी से लेके ग्रैंड मास्टर लॉबी तक काम आएंगी, सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब हम इस न्यू सीजन के अंदर पुशिंग करने के लिए एक करेक्टर का यूज करने वाले हैं जो कि बहुत बहुत अंडररेटेड है, जिसका नाम है के करेक्टर। क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर बहुत ज्यादा हार्ड लॉबी आती है पुशिंग करते वक्त, तो इस वजह से हमें जोन के अंदर भी थोड़ा थोड़ा सर्वाइव करना पड़ेगा। अब हमने के करेक्टर के साथ बहुत ही यूजफुल पैसिव करेक्टर स्किल्स रखी है, तो सबसे पहले आपको लेना है रैफिल करेक्टर, ठीक है, के साथ रैफिल। उसके बाद आपको लेना है कैली, और कैली के बाद आप लोगों को एक करेक्टर लेना है जिसका नाम है मूको, और मूको का मैं आपको आगे बताऊंगा कि मूको कैसे यूज होगी, ठीक है। और पेट के अंदर आपको हमेशा फैल्गो यूज कर रहे हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी लैंड कर पाओ और जल्दी से जल्दी लूट ले पाओ। और उसके साथ आपको लूट आउट के अंदर हमेशा लेग पॉकेट रखना है, ठीक है। लेग पॉकेट आपका क्या काम करेगा, आपको गेम के स्टार्टिंग के अंदर ही 200 कॉइन दे देगा, और 200 कॉइन के साथ साथ आपको दो लेवल का ग्लोबल मेकर कर देगा और दो ग्लोबल भी दे देगा। अब गेम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो कि है लैंडिंग। मैंने इस सीजन नोटिस किया है कि ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट्रा मैप आ रहे हैं, तो आप नेक्स्ट्रा मैप के अंदर दो अपने परमानेंट प्लेसेस बना लो जहां पे आपको हमेशा हमेशा लैंड करना है। और आपको वो जो दो परमानेंट प्लेसेस बनाने हैं वो ऐसी जगह पे बनाने हैं जहां पे बहुत कम घर हो, ठीक है, जहां पे बहुत कम घर हो और थोड़ी बहुत आपको अच्छी सी लूट मिल जाए, और कम घर पे आपको पता ही है कि कम एनिमीज आने के चांसेस होते हैं। इस मैच के अंदर मेरे साथ बहुत सारी अनप्रिडिक्टेबल चीजें हुई है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे लैंड करते साथ ही मेरे साथ बंदा कूदा है, तो मेरे को पता है कि मेरे पास बंदा कूदा, तो मैं फटाफट से लूट करके उसके ऊपर रश करने की कोशिश करता हूँ, और देख सकते हो आप लोगों को मैंने उसको डैमेज भी दिया, लेकिन उसने मेरे को फीस से मार दिया। और कभी भी आपके साथ भी अगर ऐसा होता है कि स्टार्टिंग के अंदर आपको बंदा मार दे, तो आपको हमेशा उस जगह पे लैंड नहीं करना है, ठीक है, मतलब आपको वहां पे लैंड नहीं करना है, आपको उसकी जगह कहीं और जाके लैंड करना है ताकि वही बंदा आपको दोबारा ना मारे, और इधर उधर जाके आप सर्वाइव करोगे तो आपके बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एंड यहाँ पे मैंने लैंड तो कर लिया, मेरे को लगा कि आसपास कोई बंदा नहीं है, लेकिन मैंने फटाफट से पहले गन वगैरह उठाई और थोड़ा सा सतर्क हो गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आसपास बंदा जरूर होगा, और मेरे सामने ही बंदा दिख गया। मैंने यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करा क्योंकि मुझे पता था कि वो बंदा मेरी तरफ भागते हुए आएगा और उसको इजीली हेड पड़ जाएगा, क्योंकि उसको नहीं पता है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ी देर बिल्कुल शांति से बैठा रहा और कोई भी मैंने हलचल वगैरह नहीं की, मैंने उसको थोड़ी देर लूट वगैरह करने दिया, और जैसे ही मेरे को मौका मिला मैंने इजीली उसको बॉडी मार करके किल कर दिया। और जैसे ही मैंने उसको किल कर दिया उसने मेरे को एक्सपेक्ट किया और वो गाइस दोबारा से रिवाइव हो गया, और मैं ऊपर देखने लगा क्योंकि मुझे पता था कि वो बंदा दोबारा से लैंड होगा, लेकिन उस बंदे को भी पता था कि अगर दोबारा से लैंड होगा तो वो दोबारा से मेरे हाथों से मरेगा, इसलिए वो इस जगह को छोड़ करके कहीं और चला गया। यहाँ पे मैंने आराम से थोड़ी देर लूट करी और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्कैनर भी आ गया और कोई बंदा नहीं है मेरे आसपास, ठीक है। तो ऐसी जगह मैंने स्टार्टिंग अंदर लैंड किया जिससे कि मेरे को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। उस बंदे ने मेरे को मार भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी जगह मैं दोबारा लैंड किया कि मेरे को जहाँ पे बेनिफिट मिले, ठीक है। तो आपको भी अगर आप स्टार्टिंग में नॉक हो जाते हो तो आपको हमेशा एक अच्छी जगह जाके लैंड करना है, ठीक है। आपको ये जो स्टार्टिंग का रिवाइवल वाला सीन है ना, इसका अच्छा बेनिफिट उठाना है। अगर आप चाहो तो आप ऐसी जगह पे भी लैंड कर सकते हो जहाँ पे आपको अच्छे खासे किल मिल जाए स्टार्टिंग के अंदर ही, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको। स्टार्टिंग में अगर पुशिंग करनी है अच्छे तरीके से तो आपको एक सेफ लैंडिंग करना आना चाहिए। यहाँ पे भी मैंने थोड़ी देर अच्छे तरीके से लूट वगैरह करी और आप देख सकते हो सेकंड जोन बन चुका है, और मैं जोन के अंदर सर्वाइव नहीं कर रहा हूँ आप लोगों के सामने कि मैं जोन के अंदर नहीं खेल रहा हूँ, मैं जोन के हमेशा एज पे रह रहा हूँ। आपको भी जोन के एज के साथ चलना है ताकि आप ना एनिमीज के हाथों पे ना हो, ठीक है। आपको इसी वजह से मैंने के करेक्टर को यूज करने के लिए बोला है। अब मुझे पता है कि जोन बनने में टाइम है, लेकिन मैंने इजीली, क्योंकि मुझे पता है आसपास कोई बंदा नहीं है, मैंने आराम से रोटेशन लेते हुए जोन को अपना कवर किया। अब यहाँ पे जोन कवर करते वक्त मेरे को एक चीज दिखी जो कि है वेंडिंग मशीन, और मेरे पे काफी ज्यादा टोकन थे तो मैंने इस वेंडिंग मशीन का अच्छे तरीके से यूज किया, और वेंडिंग मशीन में आप देख सकते हो मेरे को कितनी सारी सस्ती सस्ती चीजें मिली। और वो राइफल करेक्टर मैंने जो यूज कर रहा हूँ ना, वो मेरे को ऐसी हेल्प करेगा कि मेरे हर एक जो भी मैं एसवीडी गन यूज करूंगा उसके अंदर मेरे को साइलेंसर प्रोवाइड कर देगा, और साइलेंसर की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। आपको मतलब पता नहीं चलने देना कि बंदे को आप कहाँ से डैमेज दे रहे हो, और वेंडिंग मशीन का भी आपको अच्छे तरीके से यूज करना है लूट करने के लिए। अब मेरी लूट वगैरह पूरी कंप्लीट हो चुकी है और सेकंड जोन भी बन चुका है और थर्ड जोन गाइस हमारा बन चुका है, तो थर्ड जोन के अंदर आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है क्योंकि गाइस थर्ड जोन जो है ना बहुत ज्यादा डैमेज देता है, इस वजह से आपको जो है थर्ड जोन जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करनी है अगर आपके पास आसपास बंदे नहीं है तो। अगर आपके पास आसपास बंदे हैं तो आपको हमेशा एज पर रहना है अपने जोन की, ठीक है, एज के साथ साथ चलना है क्योंकि के करेक्टर बेसिकली ले गई आप इसलिए आए हो। अब यहाँ पे भी मैंने पूरी रोटेशन लेते हुए आपको हमेशा रोटेशन टेक्निक का यूज करना है आपको जोन कवर करने के लिए, ठीक है। रोटेशन लेते हुए मैंने यहाँ पे भी जोन अपना कवर कर लिया थर्ड जोन।
अब मेरे को टेंशन है किल्स की, ठीक है, क्योंकि मैं टॉप 15 के अंदर आ चुका हूँ और मिनिमम मेरे को 3 किल चाहिए बुया करने के लिए। अगर मेरे को बुया करने की मेंटेलिटी से गेम खेल रहा हूँ मैं, तो मेरे को मिनिमम 3 किल चाहिए, तभी मेरा अच्छा खासा प्लस होगा, वरना नहीं होगा। अब मेरे को काफी ज्यादा टाइम हो गया था उसी जगह पे सर्वाइव करते करते, मेरा टॉप 5 हो गया था और मेरे आस पास मेरे को बंदे की आवाज आ रही थी, और यहाँ पे आप लोगों के सामने देख सकते हो बंदा है, और मतलब ये बंदा ना, मतलब ऐसा बंदा था कि इसने मेरे को इतना डैमेज दिया ना कि मैं ऑलमोस्ट मर जाता, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी तो ऐसा लग रहा है कि मैं इसको डैमेज दे रहा हूँ, और देख सकते हो आप लोग काफी अच्छा खासा प्लेयर था ये, इसने मेरे को स्टार्टिंग के अंदर बहुत ज्यादा तगड़ा डैमेज दे दिया था। अब यहाँ पे मैं अपनी जान बचाते बचाते थोड़ा सा आगे को आया, और ये बंदा मतलब मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। ये देख सकते हो इसने इतना ज्यादा डैमेज दिया था ना कि मेरे को लग रहा था कि यहीं पे मेरा गेम कंप्लीट हो जाएगा और मैं यहीं पे खत्म हूँ, लेकिन बाय एनी चांस मेरे को जोन ने बचा लिया, और यहाँ पे देख सकते हो इसको मैंने बहुत ज्यादा डैमेज दे करके किल कर दिया, ठीक है। और मैंने इसको किल कैसे किया आप लोग देख ही सकते हो, मतलब अलग ही अनप्रिडिक्टेबल किल था ये। अब यहाँ पे मैंने अपने आप को अच्छे तरीके से हील किया, क्योंकि हील करना बहुत ज्यादा जरूरी था, और जोन भी बन चुका है गाइस, ये 5th जोन है, और मतलब जोन के अंदर तो आपको रहना ही नहीं है, मतलब ऐसे वाले जोन में 3rd जोन के बाद आपको किसी भी जोन के अंदर नहीं जाना है, आपको बहुत ज्यादा गंदा डैमेज पड़ने वाला है चाहे आप के करेक्टर ही लेके क्यों ना आओ। अब यहाँ पे सामने भी मेरे एक बंदा था और इसके पास M10 थी, और मैंने इसको काफी अच्छा खासा डैमेज दिया, लेकिन मैं इसको मार नहीं पाया, और मेरा टॉप 3 हो चुका है, मतलब 2v1v1 की सिचुएशन हो चुकी है, ठीक है। सामने 2 बंदे और मैं अकेला हूँ। मैंने यहाँ पे फिर से हील किया और उस बंदे को थोड़ा सा ना रोटेशन लेने का टाइम दिया, और मैंने अच्छे खासे तरीके से हील किया, और जोन बनने से पहले मैंने यहाँ पे रोटेशन ली, क्योंकि रोटेशन अगर मैं नहीं लेता तो मैं यहीं पे एट दी एंड हो जाता मेरा। अब ऐसी सिचुएशन में ना ये दोनों के दोनों मेरे मतलब मर्डर करना चाहते थे, देख सकते हो आप लोग, मतलब राइट साइड में भी मेरे को पड़ रही है, लेफ्ट हैंड साइड में भी मेरे को पड़ रही है, मतलब मेरी 3rd पार्टी हो रही है, ठीक है, दोनों साइड से मेरे को पड़ रही है, और मतलब मेरे को मेडिकेट मारने का भी ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, और सामने से वो बंदा ना नेड करने लगता है, तो मेरे को नेड की आवाज आ जाती है, क्योंकि मैं हेडफोन यूज कर रहा होता हूँ, आपको भी अच्छे वाले हेडफोन यूज कर रहे हैं ताकि आपको नेड वगैरह की आवाज आ जाए अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो मेरे पास एक भी ग्लोवल नहीं है, लेकिन मेरे पास एक परमानेंट कवर है जो कि बहुत ज्यादा काम आया मेरे, और मैंने सामने वाले बंदे को जो जोकर था जो M10 से बहुत बंदों को किल कर रहा था उसको मैंने थोड़ा सा डैमेज भी दिया, और मेरी मुंह को से दिख भी रहा है कि वो कहाँ कहाँ पे मूव कर रहा है, लेकिन मैं सोच रहा था कि इन लोगों की 3rd पार्टी करूं, और यहाँ पे गाइस देख सकते हो मैंने 3 किल कर दी है अपने, ठीक है, तीनों की 3 कंप्लीट कर दी। अब मेरे को कुछ भी करके बुया निकालना है गेम को, तो मैं ये कर नेड वगैरह करने लगा था, क्योंकि मेरे को लगा कि हाँ यार नेड से कम थोड़ा बहुत डैमेज तो आएगा, लेकिन वो बंदा अलग ही तरीके से रोटेशन वगैरह ले रहा था यार, मतलब अलग ही काइंड ऑफ प्लेयर था ये। अब यहाँ पे मेरे को M10 मिली नहीं थी, तो मैं MP40 से ही खेल रहा था, क्योंकि मेरे को M10 भी नहीं मिली थी और ना ही कट्टा मिला था, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज हुआ था इस गेम के अंदर, और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो टॉप 2 के अंदर आके कि मैं मर गया। मुझे दुख हुआ कि मेरा बुइया नहीं हुआ, लेकिन हाँ एक अच्छी बात थी कि मैंने 3 किल कर दिए थे, जितना मेरे को बुइया के बाद भी प्लस मिला था उतना मेरे को बिना बुइया करे भी प्लस मिल गया, ठीक है, 20 का प्लस मेरे को वैसे मिला था, और मेरे को बिना बुइया के भी 20 का ही प्लस मिला। तो आप लोग भी इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके न्यू सीजन के अंदर आप लोग इन टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज करके बहुत ही इजिली ग्रैंड मास्टर पुशिंग कर सकते हो। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक लिटिल देन टेक केयर, बाय बाय। Thank you.